हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेटेड फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बाजू स्पॉन्टेजी टी20 का जो 54th मैच खेला जाने वाला है एवेंजर्स और स्मैशर्स के बीच में, उस मैच के प्रीव्यू। तो प्रीव्यू दिखाने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। हम टॉस के बाद लाइनअप आने के बाद फाइनल टीम वहीं पर ही देते हैं, तो इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जाइए टेलीग्राम पर जाकर टारगेटेड फैंटेसी के सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको ऑन के प्लस सब्सक्राइब वाला जो चैनल पहले दिखेंगे वही चैनल आपको ज्वाइन करना है। देखिए, आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको पिंड मैसेज पर हमारे विनिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो वो देख के आपको समझना है कि हमारा ऑफिशियल चैनल वही है, तो आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ आपको अगर लिंक चाहिए तो लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की अभी विनिंग टीम के लिए, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। बात करेंगे यहाँ पर मैच की। देखिए, कल सुबह 11 बजे ये मैच खेला जाने वाला है, क्रिकेट एसोसिएशन पुदुचेरी सीएम ग्राउंड पर ये मैच होगा। क्लाउडी रहेंगे, थोड़ा सा बारिश के कोई चांसेस आए तो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें, बैटिंग फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली, मतलब एक कॉमन पिच रहने वाला है, बैलेंस्ड पिच रहने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें 104, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट जो मैच इन दोनों के बीच खेला गया है उनमें से स्मैशर्स ने वो मैच जीत लिया था। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं, 5 जो रिसेंट मैचेस खेला गया है, स्मैशर्स 5 के 5 जीते और एवेंजर्स ने 5 में 2 मैच विन किए हैं। लास्ट 5 मैचेस की यहाँ पर टी10 मैचेस की यहाँ पर एवरेज स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, एवरेज टोटल रहा है यहाँ पर 99 और एवरेज फर्स्ट का स्कोर है यहाँ पर 107। टॉस विनिंग के बाद बैटिंग फर्स्ट करते हैं 60% टीम्स और टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीतते हैं 80% टीम्स। भिन्न रिकॉर्ड की बात करें इस सीजन का, अभी तक 52 मैच खेला गया है जिनमें से 26 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 23 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। 2 मैच यहाँ पर टाई हो गए थे और 1 मैच अबंडन रहा है। आज के मैच परिसर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एवेंजर्स की टीम 30% विनिंग चांसेस, स्मैशर्स की टीम यहाँ पर 70% विनिंग चांसेस, तो आपको यहाँ पर स्मैशर्स के फेवर में यहाँ पर टीम बनाना चाहिए। अभी हम दोनों टीम के प्रॉबल प्लेइंग एक्शन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर बैटिंग ऑर्डर क्या रख सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर की यहाँ पर स्टेट्स अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर रिसेंट डेज में अच्छे परफॉर्मेंस किया है, उसी के साथ आपको यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग पर अच्छे हो सकते हैं, ये बातों आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा देखिए, एवेंजर्स की तरफ से बात करते हैं, मरे मुझे विघ्नेशन यहाँ पर ओपनिंग करके प्रवीण आर के साथ। विघ्नेशन की बात करते हैं, 1 0 37 8 4 38 29 1 80 7 4 74। और विकेट्स की बात करें, पहले 3 मैचों में 1 विकेट, 3 विकेट निकाला, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और लास्ट में 1 विकेट निकाला लास्ट मैच में। प्रवीण आर की बात करते हैं, 6 14 13 4 11 13 सदमे पर विकेट कीपरिंग भी करेंगे। कार्तिकेयन जयसूदन की बात करते हैं, नंबर 3 पर आएंगे, 21 39 7 7 0 1 9 4 17 24 3 रन बनाया। नंबर 4 पर आएंगे यहाँ पर आकाश आनंद करगावे, 65 5 13 49 20 41 35 0 7 0 11 24। फिर मैंने इनकी बात करते हैं, 24 25 42 14 3 10 32 1 नंबर 5 पर बैटिंग करके, अगर इनको थोड़ा बहुत ऊपर बैटिंग मिले तो ये अच्छा कर सकता है। और भी नंबर 6 की बात करें, भरत शर्मा 20 6 1 2 0 1 साथ में पर 1 3 2 2 करके विकेट निकाला, मतलब लास्ट जो 4 मैच खेले वहाँ पर 8 विकेट निकाले, आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकता है। 2+ विकेट की इनकी एवरेज है, तो ये इस मैच में भी अच्छा कर सकता है। मोहन डोसर की बात करते हैं, ये भी विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी, 1 1 1 9 1 रन बनाया। गौडमन पी की बात करते हैं, यहाँ पर 1 रन के साथ 1 विकेट निकाला लास्ट मैच में। पूरी प्रदर्शन मनोगरन 1 रन 1 रन 8 रन साथ में पर 3 1 और 2 विकेट निकाला, 3 मैच खेल के 6 विकेट निकाला, इसका भी परसेंटेज आप 2 विकेट प्लस है, तो इसलिए आप इनको भी पिक कर सकते हो। काश्यप पृथ्वी को देखिए, 2 रन बनाया है लास्ट मैच में, बैटिंग पर उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। और विकेट लेने की बात करें, 1 3 2 1 2 1 1 2 विकेट निकाला, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया था। विघ्नेश ई यहाँ पर बात करें, उतना अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं रहे इनके। तो अभी हम देख लेंगे एवेंजर्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके स्मॉल लीग की टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए। मरे मुथु विघ्नेशरन, कार्तिकेयन जयसुंदरम, आकाश आनंद करगावे, थेनाभानेन, भरत शर्मा, ये हो गई 5। बाकी बात करेंगे मनोगरन के पृथ्वी, आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो इन 7 प्लेयर में से आपको 4 5 6 7 जितने कॉम्बिनेशन आपको चाहिए आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं स्मॉल लीग पर। स्मैशर्स की तरफ से बात करते हैं, प्रॉब्लम प्लेयर से विथ बैटिंग वाला, साथ में यहाँ पर प्लेयर रिसेंट स्टेट्स हम देखेंगे। विजय राजाराम ओपनिंग करेंगे एम माधवन के साथ, जो कि कैप्टनसी कर रहा है, साथ में पर विकेट कीपरिंग भी कर रहा है। विजय राजाराम ने 8 6 1 0 0 23 36 साथ में पर 2 मैचों में 6 विकेट निकाला, 4 और 2 विकेट। एम माधवन 11 20 लगातार 3-0, उसी के साथ 54 28 19 6 77 रन बनाया। मोहित मित्तल 24 15 36 13 43 28 88
53-26 रन बनाए, आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं इस मैच में। और 2 विकेट भी निकाला, आपके लिए ग्रैंड लीग पर भी अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग पर भी आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। ऑक्सर जैन इसकी बात करते हैं, 2-3-3-1-4-3-1 विकेट, मतलब खेला इन्होंने 7 मैच और 7 मैच में यहाँ पर 17 विकेट निकाला। तो इनकी परसेंटेज मतलब रेशियो आप देख सकते हो कि 2+ एवरेज लेके विकेट निकल रहा है हर एक मैच में। तो इसको आप जरूर पिक कीजिए अपनी टीम पर, और साथ में यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टन के लिए भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकते हैं। पी सुनील कुमार की बात करते हैं, 7-9-22-43-2 नंबर 6 पर आएंगे। यहाँ पर अभिलाष कुलकर्णी 20-3-24-8-1 और 1 रन बनाया। आदित्य रेड्डी को देखिए 7-24-6-14-11-28-16-5 और साथ में पर जो 5 मैच खेला वहाँ पर 2-1-2-1 और 2 विकेट निकाला। 5 मैच खेल के 8 विकेट निकाल चुके हैं। ऋषि राउत यहाँ पर 1-1-1-2-6-9 रन बनाया। कार्तिक बिनायर की बात करते हैं, 0 रन साथ में पर 1 विकेट तो टोटल 4 विकेट निकाला। नंबर 10 की बात करते हैं, मोहम्मद सफीकुद्दीन यहाँ पर 6-5-9 रन बनाया, साथ में यहाँ पर 1-2-2-1-1-3 विकेट निकाला। शिवा कुमार इसकी बात करते हैं, 1 विकेट और 3 विकेट निकाला। अभी थोड़ा सा हम देख लेंगे कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग की टीम पर मस्ट भी अच्छी पिक रहने वाला है स्मैशर्स की तरफ से। मोहित मित्तल, अक्षर जेनेस, उसके साथ आर आदित्य रेड्डी, 3 प्लेयर हो गए। यहाँ पर विजय राजारम को भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर 2 ओवर बॉलिंग भी डालेंगे। यहाँ पर मोहम्मद सफीकुद्दीन और कार्तिक बिनायर, साथ में यहाँ पर शिवा कुमार। तो इन प्लेयर में से आपको 4, 5, 6, 7 जितने कॉम्बिनेशन आपको चाहिए आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। अभी स्मॉल लीग की कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस के बारे में बात करेंगे। देखिए एम माथवन, मोहित मित्तल, विघ्नेश्वरन, मारियामुथु, अक्षर जेनेस, ये 4 बाय डिफॉल्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस रहने वाले आपके लिए आपके स्मॉल लीग की टीम पर। आप इनके साथ स्मॉल लीग पर रहिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन जा सकते हो, साथ में पर ग्रैंड लीग में भी आपके लिए अच्छे कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए टी ट्वेंटी लीग से ज़्यादातर ये होता है कि जो प्लेयर पहले से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है वही आगे जाकर परफॉर्मेंस करता है। तो इसलिए अगर आप ग्रैंड लीग में भी इनको बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको बना सकते हो। अभी ग्रैंड लीग पिक्स में थोड़ा सा आप देख लीजिए, मोहम्मद सफीकुद्दीन, विजय राजाराम, के अरविंद, एन थेनवान, ये 4 प्लेयर्स रहने वाले हैं ग्रैंड लीग पिक्स में। अगर आप 20 टीम लेकर ग्रैंड लीग खेलो तो आपके लिए एक छोटी सी टिप्स हमारी तरफ से रहेगा कि पहले आप 11 प्लेयर्स को लेकर अच्छा सा सेफ टीम बनाओ, उसके बाद 2 प्लेयर्स को सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, साथ में 2 से 3 प्लेयर्स को हर एक टीम पर रोटेशन करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ और ग्रैंड लीग ज्वाइन करो। देखिए अभी ग्रैंड लीग पर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आपके पास जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा वेरिएशन आपके टीम पर रहेंगे, आपको जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो आप कोशिश करना कि अलग वेरिएशन बनाने की, अलग कॉम्बिनेशन बनाने की, तभी आपको जीतने की चांसेस बढ़ेंगे। तो फिर ले रहेगा आपके लिए स्टार्स ऑन। उसके बाद अभी डी एम की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हमने एक डेमो टीम बनाएंगे, डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन वो टीम सिर्फ और सिर्फ डेमो और परसेंटेज के ऊपर बनाकर एक टीम रहने वाला है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टीम की तरफ चलते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर हमारे टीम पर एन कार्तिकेयन जो कि बिल्कुल सेफ विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर रहेंगे, बाकी यहाँ पर कोई नहीं खेल रहा है उतना अच्छा नहीं है। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखा रहा दिया था, जो थर्ड मैच है उसी की हमने टीम बनाना चले गए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं एवेंजर और स्मैशर्स की, हम टीम बनाएंगे एम माथवन, उसी के साथ यहाँ पर एम दोस्त आर और आर प्रवीण आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे होगा, लेकिन स्मॉल लीग पर आपके लिए सेफ ऑप्शन एम माथवन ही रहेगा। बैटिंग ऑप्शन की बात करते हैं, ए अनंत करगावे, एम मित्तल उसके साथ यहाँ पर रहने वाले हैं, एन थिनवन, बाकी बात करते हैं पी सुनील कुमार, जे कार्तिकेयन, ए कुलकर्णी आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, वी मारियामुथु रहेंगे, आर आदित्य रेड्डी, उसके साथ रहने वाले वी राजाराम, बाकी पर के वी नायर उसके साथ अलग जो रहेगा आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे हो सकते हैं। अगर एल जवाहरराज खेले तो आपके लिए स्मॉल लीग पर भी अच्छे हो सकते हैं, ग्रैंड लीग में भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, कैप्टनसी के चॉइस पर बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पर रहने वाले हैं ए जेनेस, के पृथ्वी और एम सफीकुद्दीन, आपके लिए स्मॉल लीग पर मस्ट पिक रहेगा। साथ में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पूरी वर्षन को ले सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन से एक सेफ को ले लेंगे और एक जो सेफ ऑप्शन रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी कोई सेफ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आर प्रवीण को हम पिक करेंगे क्योंकि देखिए ओपनिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी टीम पर फिलहाल रहेंगे। तो 11 प्लेस हो गए हैं, बाकी यहाँ पर बाकी जो प्लेस रहेगा उनको आप ग्रैंड लिस्ट पर ट्राई कीजिए हर एक टीम पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर। यहाँ पर हमारे जो सेफ कैप्टन रहेगा वी मारियामुथु, सेफ वाइस कैप्टन यहाँ पर रहने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेयर्स है, ए जेनेस है, वी राजाराम है, अनंत यहाँ पर, मोहित मित्तल है, साथ में यहाँ पर एम माधवन है। तो यहाँ पर हमारे टीम पर मोहित मित्तल यहाँ पर सेफ वाइस कैप्टन रहने वाला है। सेव करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रैंड लीग को डिस्कस कर देंगे। देख लीजिए आर प्रवीण और एम माधवन है विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर, बैटिंग में ए अनंत करगावे, एन थेनवन, एम मित्तल रहने वाले हैं बैटिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पर वी मारियामुथु, वी राजाराम, आर आदित्य रेड्डी रहने वाले हैं।
और बोलर्स में से आप देख सकते हैं ए जैन एस के पृथ्वी और एम सफिकुद्दीन। स्मॉल लीग का सेफ कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप की बात करें बी मारे मुतु एम मित्तान और ग्रैंड लीग पर आप कौन कौन से प्लेयर के साथ ट्राई कर सकते हो एक बार देख लीजिए। ए अनंत करगा भी है, आर प्रवीण है, एम माथवन है, बी राजाराम आदित्य रेड्डी और उसके साथ ए जैन एस। तो ये छः प्लेयर सबके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं ग्रैंड लीग पर राज्य कैप्टन और वाइस कैप्टन, लेकिन अब तभी इनके साथ जाओ जब आपके पास सेफ कॉम्बिनेशन रहे। तो ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और आप पहले देख सकें और एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलता है अगले वीडियो पर।